बिथानवे मनरेगा योजना में भारी पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने की शिकायत विधायक प्रतिनिधि विभा देवी ने की। बिहार के समस्तीपुर जिले के बिथान प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा योजना से पोखर निर्माण पौधारोपण किए जाने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने की बात बताकर बिथान प्रखंड के पूर्व प्रमुख वर्तमान हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तेज प्रताप यादव के विधायक प्रतिनिधि विभा देवी ने आज मंगलवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर समस्तीपुर के जिलाधिकारी डीडीसी प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित शिकायत कर चुकी हूं। वहीं इस मामले को लेकर प्रखंड विथान प्रखंड के मनरेगा पीओ संपर्क कर जानकारी लेने की कोशिश किया मगर उनसे संपर्क नहीं होने पर विशेष जानकारी नहीं हो सका। वहीं कई पंचायत के रोजगार सेवक से संपर्क करना चाहा तो वे लोग मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। क्या मामला है मनरेगा विभाग को लेकर विथान प्रखंड का जो है उसको लेकर आपने कई जगह आवेदन दिया है, क्या मामला है? मुझे अभी रिसेंट जानकारी मिली थी कि 4 साल से विथान में मनरेगा का कोई भी काम धरातल पे नहीं हो रहा है और कागज पे ही सभी काम पास होता है और पैसा उठ जाता है। तो फिर मैंने इसकी गहन सच्चाई के लिए जांच पड़ताल शुरू की तो मुझे पता चला कि 4 साल से जब से अजय यादव यहाँ पे जो कार्यक्रम पदाधिकारी पीओ हैं वो जब से विथान में आए हैं तब से मनरेगा का जितना भी काम पास होता है यहाँ पे सब कागज पे ही हो रहा है। कई पंचायतों में बताया गया कि पोखर निर्माण हुआ है कागज पे लेकिन धरातल पे नहीं है। लगभग विथान प्रखंड में 500 पोखर कागज पे पास हो गया, कागज पर खुदाई हो गया और कागज पे पैसा भी निकल गया लेकिन धरातल पर 5-10 पोखर भी किसी पंचायत में खुदाई नहीं हुआ। इसी में एक मामला है वृक्षारोपण का, जहाँ करोड़ों रुपए का वेंडर पेमेंट किया गया है ग्रेवियन के नाम पे। हाँ, जो वृक्षारोपण जो है तो वृक्षारोपण सभी पंचायत में जो पास किया गया है उसके पेपर हम आप लोगों को दिए है जो कितना कितना यूनिट सभी पंचायत में लगा है और उस वृक्ष में सरकार का नियम था जो बांस का जैसे आप लोग गांव के भाषा मुझको ढड़ी कह सकते हैं उसको लगाने के लेकिन उसको कागजी भाषा में ग्रेवियन कहा जाता है। जो अगर आप वृक्ष में पेड़ में ग्रेवियन से उसको घेर दीजिएगा तो गाय माल बकरी जो होता है उसको सुरक्षित उससे सुरक्षित रहने के लिए उसको ग्रेवियन का उसमें प्रस्ताव दिया गया था लेकिन ना ही कहीं किसी पंचायत में पेड़ का रोपण किया गया और ना ही कहीं ग्रेवियन का लगाया गया। जब पेड़ ही नहीं लगा तो फिर ग्रेवियन कैसे लगता? तो ग्रेवियन में 5 करोड़ का वेंडर के माध्यम से पीओ के द्वारा निकासी किया गया है जो कहीं नहीं लगा हुआ है एक भी विधान प्रखंड में एक भी ग्रेवियन किसी पंचायत में नहीं लगा हुआ है और उस मद में 5 करोड़ की निकासी वेंडर के द्वारा और पीओ के द्वारा किया गया। इन फर्जी योजनाओं को लेकर आपके द्वारा कहीं आवेदन भी दिया गया? इन फर्जी योजनाओं के लेकर हमने वीडियो डीडीसी डीएम मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास मंत्री उनके सचिव इतने जगह मैंने सब जगह मेल करके और उनको पोस्ट के द्वारा भेज दिए हैं। अब मेरा अगला प्रोजेक्ट है कि केंद्रीय ग्रामीण मंत्री जो जहाँ से मनरेगा का शुरुआत हुआ था प्रोजेक्ट वहाँ से बना था हमने उस मंत्री को उनके सचिव को और प्रधानमंत्री को मैं मेल करूंगी और अलग अलग जो विभाग के योजनाओं जो खोला गया है कागज पर वृक्षारोपण का शेड का सड़क का और ये पोखर का जितने भी अलग अलग मत्स्य योजनाओं का जहाँ से बात पास किया गया और कागज पर फर्जी तरीका से पैसा निकाला गया है मैं सभी का अलग अलग आवेदन लिख के आप फिर से मैं मिलूंगी और अपने इस जांच के लिए मैं जहां तक बड़े पदाधिकारी से मेरा यही मांग है कि 100 करोड़ का गबन है, 4 साल में 100 करोड़ का गबन है और 100 करोड़ ये रुपया जनता का पैसा दलाल और पदाधिकारी मिलकर लूट लिए है। तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी कि अब इस पर जितना जल्दी हो जांच का कार्रवाई शुरू किया जाए और उस जांच के बीच में मुझे भी रखा जाए और 2-4 जो पत्रकार हैं उनको भी रखा जाए ताकि इस जांच की पारदर्शिता बनी रहे। इस मामले में एक चीज और सामने आई है कि एक ही परिवार में 8
खेत पोखरी का निर्माण करवाया गया जो सोहमा पंचायत के सुखासन गांव है। ये जो एक ही परिवार में 8 खेत पोखरी का निर्माण है वो दलाल है पीओ का दलाल है, उसका नाम है ललित यादव और एक परिवार में 8 है और एक वार्ड में 18 है। सोमा पंचायत के सुखासन गांव में वार्ड नंबर 13 में एक ही वार्ड में 18 पोखरी का निर्माण जो कि सिर्फ कागज पर किया गया है और एक ही परिवार में जो दिया गया है 8 पोखर का निर्माण उसमें जिसका किसी का पति शिक्षक है उसके पत्नी के नाम से है, उसके बेटा के नाम से है, ललित यादव के पिताजी के नाम से, ललित यादव का भाई जो इंजीनियर है मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहा है उसके नाम से है। तो मनरेगा के में जितना भी अजय कुमार के समय में जितना भी मनरेगा के काम यहाँ पास किया गया है और कागज पर राशि का निकासी किया गया है सब फर्जी है और स्कैम के तरह इसको घोटाला किया गया है। क्या वरीय अधिकारी कभी विधान में मनरेगा की योजनाओं का जांच के लिए आए हैं? नहीं, वरीय पदाधिकारी कभी मनरेगा के जांच के लिए नहीं आए हैं और ना ही पीओ कभी क्षेत्र में जांच के लिए नहीं गए हैं और इतना जो योजना खुला है इसी योजना में आज तक वोट नहीं लगा है। जैसा ही वोट अगर नहीं लगता है तो समझिए ये 100% फर्जी है और कागज पर ही भाषण निकल गया। गुप्त सूचना है, हम तो प्रतिनिधि है, राजनीति में है, मैं तो बहुत लोगों से रोज मिलना जुलना होता है तो वहाँ के ही एक ग्रामीण के द्वारा मुझे बताया गया कि सोमा पंचायत में जितना भी खेत पोखरी का निर्माण कराया गया है उसका फाइल भी नहीं खुला है, उस फाइल पे मुखिया का सिग्नेचर भी नहीं हुआ है और ऐसे यहाँ पे पैसा उठ गया है। देखिए हद तो तब हो गया है विधान ब्लॉक में जिस समय 4 पंचायत बाढ़ से प्रभावित था और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे कैंप लग रही थी उस समय भी मास्टर रोल में पैसा निकाला गया है, उस समय भी पोखरी का खुनाने का कागज पर काम दिखाया गया है जबकि 4 पंचायत 3 महीना बाढ़ से प्रभावित रहा है, उस 3 महीना के पीरियड में भी मास्टर रोल निकाला गया है और पैसा निकाला गया। वरीय अधिकारियों को आपके द्वारा आवेदन दिया गया, क्या आश्वासन दिया गया है अधिकारियों के द्वारा? अभी मैं वरीय पदाधिकारी से किसी से डायरेक्ट नहीं मिली हूँ, मैं लोक जन शिकायत में आवेदन की हूँ, 2 तारीख का मेरा उसमें जाना है, उसमें हम जाएंगे और उसके बाद आज से 10-15 दिन पहले बिसुत्री की बैठक जिला में थी उसमें माननीय मंत्री ग्रामीण विकास सरवन कुमार आए हुए थे, मैंने उनसे इस मीटिंग में इसके बारे में मुद्दा उठाई थी कि विधान ब्लॉक में कागज पर ही सब काम हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिए थे कि आप लिखित रूप में दीजिए उसकी जांच कराया जाएगा। तो फिर मैंने सरवन कुमार से मिलूंगी और जितने भी योजना का यहाँ पे पास किया गया है कागज पर पैसा निकाला गया है मैं उनसे मिलकर इसकी जानकारी दूंगी और जांच के लिए उनसे अनुरोध करूंगी। विधान ब्लॉक के मनरेगा पीओ अजय कुमार का पिछले दिनों ट्रांसफर हो गया था जिसके बावजूद अब तक यहाँ बने हुए हैं जबकि राजीव रंजन को पटोरी से यहाँ पे भेजा गया जो आज तक यहाँ योगदान नहीं किया है 17 मार्च तक इसको मनरेगा पीओ अजय कुमार यहाँ पे यहाँ से उनका ट्रांसफर हो जाने के बाद और ज्वाइन नहीं करते और यहाँ पे बने हुए हैं जिससे यही साबित हो रहा है कि ये कितना गैर जिम्मेदार आदमी है, इनको कानून का कोई भय नहीं है, ये नौकरी करते इसका इनका कोई भी ये नहीं है कि हम नौकरी करते हैं हमको शिक्षा में रहने से इनका उनका डीएम का डर है ना डीडीसी का डर है, किसी का डर नहीं है और ना ये जिम्मेवार आदमी है इसीलिए ये वहाँ से ये नहीं गए और क्यों नहीं गए इसका तो जवाब डीएम साहब ही देंगे क्योंकि डीएम साहब के द्वारा इनका बदली किया गया था और ये ज्वाइन नहीं किए इसका तो जवाब आप लोग डीएम साहब से मांगिए। विधायक प्रतिनिधि आप हैं और आप अपने विधायक से इस मामले में चर्चा की है क्या? मैंने अपने विधायक से इस मामले में चर्चा की है, उन्होंने बोले हैं कि आप जितना हो इसका उद्भेदन करिए और जो जांच में जहां तक सहयोग होगा हम आपको यहां करेंगे।